छात्रों, जो प्राचीनतम भारत के इतिहास को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं, उन स्रोतों के अंतर्गत है जो एक लौकिक साहित्य है, साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत है पुरातात्विक तथा साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के कितने स्रोत है? दो स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत तथा साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हमने ब्राह्मण साहित्य तथा ब्राह्मणोत्तर साहित्य का अध्ययन किया। जो धार्मिक साहित्य था, धार्मिक साहित्य का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत भी हमने ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन किया और ब्राह्मणोत्तर साहित्य का भी अध्ययन कर लिया। तो छात्रों, अब हम देखते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंदर जो हम जो अध्ययन करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों का, भारत तत्कालीन भारतवर्ष के ऐतिहासिक ग्रंथ, तत्कालीन भारतवर्ष के प्राचीनतम इतिहास की जानकारी प्रदान करने में जो ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में हम चर्चा करेंगे छात्रों की, कौन कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों में किस किस का वर्णन किया गया है, इन ऐतिहासिक ग्रंथों का निर्माण कब वे किसने किया। छात्रों, ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से हमें तत्कालीन भारतवर्ष के प्राचीनतम इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर अर्थशास्त्र, पहला जो हमारा ग्रंथ है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र रचना, इसका जो निर्माता था चाणक्य, चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से, वह विष्णुगुप्त के नाम से भी से जाना जाता है। अर्थशास्त्र 15 खंडों में विभक्त, 15 खंडों के अंदर ये बटा हुआ है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ। यह एक विधि ग्रंथ है, महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है, महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। मौर्यकालीन प्रशासन, राजव्यवस्था, धार्मिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन करता है। यह ग्रंथ भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी रचनाकार पाणिनि, रचनाकार पाणिनि, इस व्याकरण ग्रंथ की रचना के समय की जानकारी प्राप्त होती है। नंदवंश के समय की जानकारी प्राप्त होती है। मालविका अग्निमित्रम,
मालविका, अग्निमित्रम, रचनाकार कालिदास, इसमें शुंग वंश के शासक अग्निमित्र, शुंग का वर्णन मिलता है, अष्टाध्यायी। छात्रों, ये भारत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है, मुद्रा राक्षस, रचनाकार विशाखभट्ट, यह भारत का प्रथम जासूसी नाटक है। इसमें मौर्य वंश की जानकारी, चंद्रगुप्त मौर्य, प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक गणानंद की हत्या करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। मृच्छकटिकम् रचनाकार, मतलब इसको लिखने वाला शूद्रक, गुप्त वंश की जानकारी देता है। हर्षचरित्र रचनाकार बाण भट्ट सम्राट हर्षवर्धन के समय के भारतवर्ष की जानकारी, जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से हमें तत्कालीन जो भारतवर्ष है, तत्कालीन भारतवर्ष की हमें
जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर प्रमुख जो ऐतिहासिक ग्रंथ है छात्रों, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है, अर्थशास्त्र ग्रंथ का रचनाकार है आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य चाणक्य मौर्य वंश के शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री तथा उनके गुरु थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से ही नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध पर अधिकार किया तथा मगध पर मौर्य वंश उन्होंने स्थापना की। छात्रों, जो ये आचार्य चाणक्य हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक महान ग्रंथ लिखा, भारत का प्रथम ये राजनीतिक ग्रंथ कहलाता है। और ये 15 भागों के अंदर बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? 15 भागों के अंदर, अर्थात 15 खंडों के अंदर, खंड या भाग एक ही होते हैं, 15 खंडों के अंदर ये बटा हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ भी है, ये लोक प्रशासन से संबंधित ग्रंथ भी है तथा कानून से संबंधित, अर्थात कानून मतलब विधि, तो छात्रों ये कानून से संबंधित ग्रंथ भी है, लोक प्रशासन से संबंधित ग्रंथ भी है। भारत का प्रथम लोक प्रशासन का ग्रंथ कौन सा कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। तथा भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ कौन सा कहलाता है? वो भी अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र ग्रंथ का रचयिता कौन है? आचार्य चाणक्य। और आचार्य चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों, इसके अंदर हमें मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन राज व्यवस्था की, मौर्यकालीन साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, मौर्यकालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है, मौर्यकालीन जो धर्म थे उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो छात्रों, मौर्यकालीन प्रशासन, राज व्यवस्था, धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिति का वर्णन कौन करता है? अर्थशास्त्र नामक ये ग्रंथ ये करता है। यह ग्रंथ भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ भी माना जाता है। छात्रों, हर्षचरित्र नामक जो ग्रंथ है, इसका रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार बाण भट्ट नामक जो विद्वान है, इसने इस ग्रंथ की रचना की। और इसके अंदर जो तत्कालीन जो हर्ष सम्राट हर्षवर्धन थे, सातवीं शताब्दी के अंदर जो सम्राट हर्षवर्धन थे, तो सम्राट हर्षवर्धन के समय के भारतवर्ष की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में होती है, हर्षचरित्र से हमें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, अष्टाध्यायी नामक जो ग्रंथ है, पाणिनि नामक जो विद्वान ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की जो रचना की। और ये ग्रंथ कब लिखा गया? 400 ईस्वी पूर्व। इस ग्रंथ की रचना कब हुई? 400 ईस्वी पूर्व इसे लिखा गया। इसमें नंद वंश की जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है छात्रों की आचार्य पाणिनि थे, आचार्य पाणिनि जी नंद वंश के संस्थापक महापद नंद के ये जो मित्र थे। तो छात्रों, तो इसलिए छात्रों ये नंद वंश की जानकारी भी प्रदान करता है। कौन सा? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ। और ये भारत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कहलाता है। तो भारत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी है। और लेखक कौन है इसके? पाणिनि है। छात्रों, मालविका अग्निमित्रम। छात्रों, गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त वंश के राजा कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। और ये कब थे? पांचवीं शताब्दी ये जो थे छात्रों, किसकी कौन शताब्दी के अंदर थे? ये चौथी से पांचवीं शताब्दी के अंदर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन कर रहे थे। और इनके दरबार के अंदर 9 रत्न थे। 9 रत्न मतलब 9 विद्वान निवास करते थे, जिसमें कालिदास भी इसमें निवास करते थे। और कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्रम नामक जो नाटक था, ये नाटक गुप्त काल के अंदर लिखा गया। कब लिखा गया? गुप्त काल के अंदर लिखा गया। परंतु ये शुंग वंश के राजा की जानकारी देता है। लिखा तो कब गया था? गुप्त काल के अंदर ये लिखा गया, परंतु जानकारी किसकी दे रहा है? ये शुंग वंश के राजा अग्निमित्र शुंग की जानकारी दे रहा है। तो इसे ग्रंथ से, मालविका अग्निमित्रम जो ग्रंथ है, इससे हमें तत्कालीन जो शुंग वंश के समय के भारत वर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। अग्निमित्र जो शुंग राजा थे, अग्निमित्र, तो उनकी उपलब्धियों की जानकारी भी हमें किससे प्राप्त होती है? मालविका अग्निमित्रम से। तो ये नाटक किसकी जानकारी देता है? शुंग वंश के राजा अग्निमित्र की जानकारी दे रहा, परंतु लिखा कब गया था? गुप्त काल के अंदर लिखा गया था। मुद्रा राक्षस ग्रंथ। छात्रों, मुद्रा राक्षस ग्रंथ भी गुप्त काल के अंदर लिखा गया था, परंतु ये जानकारी किसकी देता है? मौर्य काल की जानकारी देता है। लिखा तो कब गया है? गुप्त काल के अंदर, लेकिन जानकारी कब किसकी दे रहा है? मौर्य काल की जानकारी दे रहा है। मौर्य वंश के राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य की ये जानकारी देता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर दी तथा हत्या करने के बाद में मगध पर अधिकार किया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। तो किससे प्राप्त होता है जानकारी? मुद्रा राक्षस से। छात्रों, मुद्रा राक्षस भारत का प्रथम जासूसी नाटक कहलाता है। भारत का प्रथम जासूसी नाटक कौन सा है? मुद्रा राक्षस है। और मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो कौन है? विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस ग्रंथ की रचना की। छात्रों, मृच्छकटिकम।
मृच्छकटिकम जो ग्रंथ है इसका रचनाकार कौन है? शूद्रक। इसका रचनाकार कौन है? शूद्रक। ये गुप्त वंश के राजाओं की जानकारी देता है और ये भारत का प्रथम दुखांत नाटक कहलाता है। अर्थात इस नाटक से दुख प्रकट होता है। जब इस नाटक को पढ़ा जाता है, जब इस नाटक ग्रंथ को जब हम पढ़ेंगे तो इससे क्या दुख प्रकट होगा, इसलिए ये भारत का प्रथम दुखांत नाटक भी कहलाता है। और इसे मृच्छकटिकम जो ये नाटक है, इस मृच्छकटिकम नाटक की रचना किसने की थी? शूद्रक द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो छात्रों अब हम अन्य ग्रंथ देखते हैं। अन्य ग्रंथों के अंतर्गत छात्रों जो हम देखते हैं कि विक्रमांक देवचरित्र, विक्रमांक देवचरित्र, विक्रमांक देवचरित्र रचनाकार इस जो नाटक है इसका जो लेखक है रचनाकार है वो है छात्रों इसका विलहण। कौन है छात्रों? विलहण। विलहण नामक जो विद्वान है उन्होंने जो विक्रमांक देवचरित्र नामक है तो ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ 11वीं शताब्दी के भारतवर्ष का यह ग्रंथ 11वीं शताब्दी के भारतवर्ष का वर्णन करता है। इस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य षष्ठ की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। विक्रमादित्य षष्ठ की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है महाभाष्य। महाभाष्य रचनाकार पतंजलि, रचनाकार पतंजलि शुंग वंश के समय की राजनीतिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है भारत पर यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है यूनानियों ने साकेत मथा अयोध्या व मध्यमिका पर आक्रमण किया। प्रबंध कोष राजशेखर रचनाकार कौन है? राजशेखर।
राजशेखर। रचनाकार राजशेखर, गुर्जर प्रतिहार में गुर्जर प्रतिहार व चालुक्य वंश के समय के भारतवर्ष की जानकारी देता है। भारतवर्ष की जानकारी देता है। नव सहसान चरित्र रचनाकार पद्मगुप्त इस ग्रंथ में मालवा के परमार वंश के शासक सिंधुराज का वर्णन किया गया है। मालवा के परमार वंश के शासक सिंधुराज का वर्णन किया गया है। बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी रचनाकार क्षेमेंद्र। इसका राइटर कौन है छात्रों? क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र द्वारा इसकी रचना की गई मौर्य काल की जानकारी यह ग्रंथ मौर्य काल की जानकारी देता है। मौर्य काल की जानकारी देता है। नीति सार रचनाकार कामांतक मौर्य प्रशासन में राजतंत्र की जानकारी देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कौटिल्य मतलब चाणक्य, चाणक्य देख लीजिए, चाणक्य चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांत सिद्धांतों का संकलन कामांतक ने नीति सार में किया है। नीति सार ग्रंथ में किया है। नीति सार ग्रंथ ने किया है। छात्रों
जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी के अंदर अगला ग्रंथ देखते हैं विक्रमांक देव चरित्र, इसकी जो रचना की है किसने की, छात्रों विलहण, विलहण नाम का जो विद्वान है, विलहण नाम के विद्वान द्वारा जो विक्रमांक देव चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की गई और कब की गई, 11वीं शताब्दी के अंदर इस ग्रंथ की रचना की गई, 11वीं शताब्दी के भारत वर्ष का वर्णन करता है, कौन करता है, ये विक्रमांक देव चरित्र नामक जो ग्रंथ है ये 11वीं शताब्दी के भारत वर्ष का वर्णन करता है। इस ग्रंथ में दक्षिणी भारत वर्ष के जो चालुक्य वंश के राजा है, दक्षिणी भारत वंश के कौन से शासक है, चालुक्य वंश के शासक है विक्रमादित्य षष्ठ, विक्रमादित्य षष्ठ की उपलब्धियों का यह वर्णन करता है, कौन करता है, विक्रमांक देव चरित्र, और रचनाकार कौन है इसका, महाभाष्य, महाभाष्य ग्रंथ का जो रचनाकार है वो है पतंजलि, है पतंजलि। इसे जो अपने ग्रंथ के अंदर शुंग वंश के समय राजनीतिक घटनाओं की जानकारी, इस जो ये ग्रंथ है ये शुंग वंश के समय के अंदर पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के राजा है पुष्यमित्र शुंग, उनके समय ये लिखा गया। पुष्यमित्र शुंग द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे और दोनों अश्वमेध यज्ञों का जो पुरोहित था वो कौन था, पतंजलि था। तो पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य के अंदर जो शुंग वंश के समय के तत्कालीन भारत वर्ष की जानकारी प्रदान की है इसके अंदर। और तो ये जो महाभाष्य नामक ग्रंथ है ये व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में हमें ये जानकारी मिलती है कि यूनानियों ने भारत वर्ष पर आक्रमण किया, परंतु जो शुंग वंश के राजा थे, शुंग वंश के राजाओं ने बुरी तरह से यूनानी आक्रमणकारियों को पराजित किया और भारत से उनको भगा दिया। छात्रों इस ग्रंथ से हमें यह पता चलता कि यूनानियों ने साकेत अर्थात अयोध्या को घेर लिया था, मध्यमिका को, साकेत था मध्यमिका को, जो मध्यमिका तक जो यूनानी है वो आगे बढ़कर आ गए थे, परंतु जो शुंग वंश के राजा थे, शुंग वंश के राजाओं द्वारा यूनानियों को पराजित किया गया। छात्रों प्रबंध कोष नामक जो ग्रंथ है राजशेखर द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, ये राजशेखर द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ के अंदर गुर्जर प्रतियार वंश के राजाओं तथा चालुक्य वंश के राजाओं के समय के तत्कालीन भारत वर्ष की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें किसकी जानकारी प्राप्त हो रही है छात्रों, ये गुर्जर प्रतियार वंश के चालुक्य वंश के समय के तत्कालीन भारत वर्ष की हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, और किस ग्रंथ से हो रही है, ये हमें हो रही है प्रबंध कोष से। नव सहसांग चरित्र रचनाकार कौन है इसका, पद्मगुप्त, नव सहसांग चरित्र का रचनाकार है पद्मगुप्त। इस ग्रंथ में मालवा के परमार वंश के शासक सिंधु राज का वर्णन किया गया है। ये जो ग्रंथ है छात्रों इसमें किसका वर्णन किया गया है, मालवा के जो शासक है सिंधु राज उनका इसमें वर्णन किया गया है। वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र नाम का जो विद्वान है, क्षेमेंद्र नाम के विद्वान द्वारा वृहत कथा मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की गई, इसके अंदर मौर्य काल का वर्णन किया गया है। छात्रों नीतिसार, कामांतक नाम का जो विद्वान है इसने गुप्त काल के अंदर नीतिसार नामक ग्रंथ लिखा, किस काल में लिखा, गुप्त काल के अंदर इसने नीतिसार नामक ग्रंथ लिखा, किसने लिखा, कामांतक ने। मौर्य प्रशासन व राजतंत्र की जानकारी देता है ये ग्रंथ, किससे, इस ग्रंथ से क्या पता चलता है, मौर्यकालीन प्रशासन की, मौर्यकालीन राजतंत्रात्मक शासन की हमें जो जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों कामांतक ने आचार्य कौटिल्य अर्थात आचार्य चाणक्य हैं उनका ग्रंथ जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को अपने ग्रंथ नीतिसार के अंदर भी लिखा। तो छात्रों इस प्रकार से ये ग्रंथ तत्कालीन समय के भारतवर्ष की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों जो अन्य कुछ ग्रंथ है उनके बारे में हम देखते हैं कि वो ग्रंथ भी तत्कालीन भारतवर्ष की जानकारी प्रदान करते हैं। छात्रों जो अगले ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय रचनाकार जयानक भट्ट, जयानक भट्ट यह कश्मीर का पंडित था, और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में आश्रय पाता था। इसने अपने ग्रंथ में इसमें अपने ग्रंथ में
पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों वह अजमेर के विकास का वर्णन किया है। वह अजमेर के विकास का वर्णन किया है, अजमेर के विकास का वर्णन किया है। कथा सरित सागर रचनाकार सोमदेव, रचनाकार सोमदेव मौर्यकालीन भारतवर्ष का, मौर्यकालीन भारतवर्ष का वर्णन मिलता है। रामचरित संध्याकर नंदी, रचनाकार संध्याकर नंदी। रचनाकार संध्याकर नंदी बंगाल के शासक, रामपाल की उपलब्धियों की जानकारी, रामपाल की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज राशु चंद्र बरदाई रचनाकार चंद्र बरदाई इस ग्रंथ को पूरा चंद्रबरदाई के पुत्र जिलहण ने किया। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों की जानकारी वह 1193 ईस्वी में 1192 ईस्वी के तराई युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। तराई युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। राजतरंगिणी
कलहण। रचनाकार इसका कलहण। भारत का प्रथम बार क्रमबद्ध इतिहास राष्ट्र निर्णय पुस्तक में मिलता है क्रमबद्ध इतिहास राष्ट्र निर्णय। पुस्तक में मिलता है इस ग्रंथ में आदिकाल से लेकर 12वीं शताब्दी ब्रैकेट में 1151 ईस्वी तक का कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। का पता चलता है।